पंचकुला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश की अनाज मंडियों में पिछले 12 दिन से खरीद का कार्य सुचारू रूप से जारी है। उन्होंने बताया कि कल तक 11 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में और 4 लाख मीट्रिक टन गेहूं गोदामों तक पहुंच चुका था। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने शुक्रवार की रात तक 2000 से अधिक किसानों को उनकी फसल का सीधा भुगतान बैंक के माध्यम से कर दिया है। उन्होंने कहा कि मंडी में किसानों को पूरी सुविधाएं देने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हुए हैं। साथ ही इस बात पर खुशी जताई कि प्रदेश की एक भी मंडी में कोई भी किसान सरसों बेचने के लिए नहीं आया है, क्योंकि उनको सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी ज्यादा दाम मिल रहा है। हमारी सरकार ने किसानों को समृद्ध बनाया है और ये देखते हुए हमें खुशी हो रही है। 11 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं कल तक आ चुकी थी, 4 लाख से ज्यादा मीट्रिक टन गेहूं गोदाम में पहुंच गई थी। कहीं भी आज उस चीज की दिक्कत नहीं है। मंडी के अंदर सुविधाएं किसानों को मिले, ये पूरी तौर पर सरकार ने अपने दिशा निर्देश दे रहे हैं। और MSP के ऊपर एक एक दाना खरीदा जाए और साझा करते हुए खुशी होती है कि सरसों का एक दाना भी सरकार के खाते में नहीं बेच के गया, क्योंकि वो 1500 से 2000 रुपये ज़्यादा भाव तक में मंडी को दे रहा है। गेहूँ की अगर प्राइवेट में मांग ज़्यादा है तो हमारी सरकारी एजेंसी तो इंतज़ार कर रही है कि फार्मर अपनी महंगाई पे अगर बिकती है फसल बेचे। हमारा तो ये वादा था MSP पे खरीदेगा, और क्या नहीं खरीदी नेता प्रतिपक्ष बता रहे।